और इस वक्त की अगली बड़ी खबर आपको बता रहा है राजधानी भोपाल से ही, जहां पर सीएस एसआर मोहंती ने आवेदन किया है। जी हां, अपने रिटायरमेंट से पहले एसआर मोहंती ने आवेदन किया है, नियामक आयोग के चेयरमैन पद का आवेदन किया है एसआर मोहंती ने। 1982 बैच के आईएएस अधिकारी हैं मोहंती, अब दावेदारों की संख्या 30 से अधिक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, सीएस एसआर मोहंती ने अपने रिटायरमेंट से पहले आवेदन कर दिया है। जी हां, इस बार उन्होंने नियामक आयोग के चेयरमैन पद के लिए आवेदन किया है। और हमारे साथ जुड़े हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी। राजेश जी, एसआर मोहंती ने रिटायरमेंट से पहले आवेदन कर दिया और ये आवेदन उन्होंने नियामक आयोग के चेयरमैन पद के लिए किया है। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन पद के लिए मुख्य सचिव व 1982 बैच के आईएएस अधिकारी एसआर मोहंती ने आवेदन किया है। और मोहंती जिस तरह से मार्च में रिटायर्ड हो रहे हैं और उसके पहले जिस तरह से ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि वो मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में जो चेयरमैन का पद है उसके लिए वो आवेदन कर सकते हैं, अंतिम तिथि से दो दिन पहले एसआर मोहंती ने ये अपना आवेदन किया है। और अगर अब हम चेयरमैन की बात करें विद्युत नियामक आयोग की, तो तकरीबन 30 आवेदन इसमें पहुंच गए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त के बाद मोहंती को विद्युत नियामक आयोग की जिम्मेदारी मिल सकती है। ऊर्जा विभाग ने 3 सदस्यीय चयन समिति तय की है। इसके लिए पूर्व चेयरमैन देवराज बिरदी का कार्यकाल जिस तरह से 13 जनवरी को पूरा हो चुका है और अब कवायद है नए नियामक आयोग के चेयरमैन को लेकर, और यही कारण है कि सुधीर रंजन, अगर हम मोहंती की बात करें, काफी करीबी हैं सीएम के और यही संभावना लगाई जा रही थी एसआर मोहंती को इस पद पर नवाजा जा सकता है, और यही कारण है कि जिस तरह से उन्होंने इसके लिए आवेदन किया है तो संभावनाएं बनती हैं कि एसआर मोहंती जो विद्युत नियामक आयोग है उसके चेयरमैन बन सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, हमारे साथ इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।